हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे एक नया क्रिप्टो वीडियो में। फ्रेंड्स, सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी सारा बदलाव आ गया है। अगर आप डिपॉजिट करने जाइएगा तो वहां पे कुछ रूल्स है, कुछ फॉर्मेलिटीज है, आपको मानना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ऑलरेडी मेरे चैनल के अंदर वीडियो है कि किस तरह से आप डिपॉजिट कर सकते हैं, बट आज का बात वो नहीं है। आज का बात ये है कि यहाँ पर आपका जो अकाउंट रजिस्टर्ड है आपका सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के साथ, उसी अकाउंट से आपको पेमेंट करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा जा रहा है डिपॉजिट के समय के आपको रजिस्टर बैंक से, ओनली रजिस्टर बैंक से ही आपको पेमेंट करना है। फ्रेंड्स, मान लीजिए आपका रजिस्टर बैंक में पैसा नहीं है, उस टाइम में आप कैसे ऐड करिएगा। बट आपका किसी दूसरा अकाउंट के अंदर पैसा है बट आप ऐड नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका रजिस्टर बैंक में पैसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम में आप दो दो अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर। पूरा प्रोसेस में दिखाने वाला उस वीडियो के अंदर, वीडियो को एंड तक देखिए। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिस तरह का टेक वीडियो साथ साथ क्रिप्टो रिलेटेड साथ साथ क्रिएटर वीडियो में बनाते रहता हूँ उस चैनल के अंदर डेली। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप एक सन क्रिप्टो एप्लीकेशन यूजर है तो आपको वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कभी भी आप डिपॉजिट करते समय आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। साथ ही साथ पेमेंट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर आपको मिलता है, उस रेफरेंस नंबर को आपको सबमिट करना पड़ेगा सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर। वो सबमिट का प्रोसेस भी मैं आपको उस वीडियो के अंदर दिखा दिया हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं और सन क्रिप्टो एप्लीकेशन में डिपॉजिट करने में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आई बटन में जा सकते हैं, उस वीडियो को देख के आप डिपॉजिट कर सकते हैं सन क्रिप्टो में। कुछ ही टाइम के अंदर इंस्टेंट आपका डिपॉजिट हो जाएगा, बट जो फॉर्मेलिटीज़ है आपको उसको मानना है और फॉर्मेलिटीज़ के मुताबिक आपको पेमेंट करना है सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर। फिर सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर डिपॉजिट के अंदर काफ़ी बड़ा बदलाव आ गया है। यहाँ पे मिनिमम आपको 1000 रुपये डिपॉजिट करना है और यहाँ पे जो नोटिस आप देख सकते हैं जो अभी आपका स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है कि यहाँ पे बताया जा रहा है IMPS, RTGS, NEFT और आपको इसके मुताबिक पेमेंट करना है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है ओनली फॉर रजिस्टर बैंक अकाउंट, मतलब जो बैंक अकाउंट आपका रजिस्टर्ड है उसी बैंक से आप पेमेंट कर सकते हैं। नीचे में यहाँ पे जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं नेट बैंकिंग का, इंस्टेंट डिपॉजिट का, यहाँ पे आपको डिपॉजिट करना है 100 रुपीज़ और यहाँ पे फीस लगेगा आपको, INR कुछ चार्ज लगेगा, 23 रुपये 60 पैसा आपको ट्रांजेक्शन पे चार्ज लगेगा। फ्रेंड्स, आपने तो एक बार बैंक ऐड कर दिए हैं, फिर से क्या आप बैंक ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, आप फिर से एक बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरा जानकारी मैं देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, वीडियो को एंड तक देखिए। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिस तरह का एक वीडियो मैं डेली आप लोग लाता हूँ जो आपका काम पे आए। फ्रेंड्स, आपका सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर आप कोई दूसरा बैंक अकाउंट अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले नीचे में देखिए प्रोफाइल में आपको जाना पड़ेगा, उसके बाद बैंकिंग अकाउंट मैनेजमेंट में आपको जाना पड़ेगा, उसके बाद देख सकते हैं प्लस साइन जो है, और यहाँ पे मेरा दो दो अकाउंट लिंक है, आप देख सकते हैं। ऑलरेडी मैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से हिडन कर रहा हूँ, बट यहाँ पे दो दो अकाउंट मेरा लिंक है और नीचे में जो प्लस साइन है इसमें क्लिक करके आप अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नाम, डिटेल्स फिल करके आप दूसरा अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। बहुत बार दिक्कत हो जाता है कि जब हम लोग सन क्रिप्टो में रजिस्टर करते हैं उस टाइम में जो अकाउंट मेरा सामने में था, याद है जो, वो मैंने डाल दिए, बट जिस अकाउंट में ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम फैसिलिटी नहीं है तो उस टाइम में दिक्कत हो जाता है। बट आपका जो अकाउंट में ऑनलाइन सिस्टम पेमेंट सिस्टम फैसिलिटी है वो अकाउंट आपने इसमें लिंक नहीं किए हैं, तो इस बार से आप वो भी अकाउंट यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। जैसा फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि CoinDCX एप्लीकेशन के अंदर ओनली फॉर रजिस्टर बैंक से पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ओनली फॉर बैंकिंग एप्लीकेशन से आपको पेमेंट करना होगा। मान लीजिए आपने जो बैंक सन क्रिप्टो में ऐड किए हैं उस बैंक के अंदर आपका ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन, जो बैंक का पर्सनल एप्लीकेशन है, उसमें रजिस्टर्ड नहीं है तो उस टाइम में आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। बट आप ही का दूसरा अकाउंट है जिस अकाउंट के अंदर आप ऑनलाइन बैंकिंग, मतलब बैंकिंग एप्लीकेशन उस अकाउंट के अंदर आप यूज़ करते हैं, उस टाइम में आपको उस अकाउंट को सन क्रिप्टो के अंदर ऐड करना पड़ेगा। इसमें फैसिलिटी है, आप यहाँ पे दो दो अकाउंट ऐड कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरा दो अकाउंट यहाँ पे ऐड है और यहाँ पे प्लस साइन अभी भी एक्टिव है, मतलब दूसरा कोई एक अकाउंट में ऐड कर सकता हूँ अभी भी। तो फ्रेंड्स, इस तरह का कोई भी अगर आपको समस्या हो रहा है, दूसरा कोई बैंक आप जोड़ना चाहते हैं तो वो भी आप जोड़ सकते हैं बहुत ही ईजी। तो फ्रेंड्स, वीडियो आज को कैसा लगा है कॉमेंट में जरूर बताइए। साथ साथ क्रिप्टो रिलेटेड टेक वीडियो साथ साथ क्रिएटर एक वीडियो अगर आप चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आई एम नॉट ट्रेडिंग वीडियो।